यूपी की राजनीति हो और बाहुबलियों की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस चुनाव में भी बाहुबलियों का बल देखने को मिलेगा, क्योंकि 2019 के बाद समीकरण बदला है और ये कहा जा रहा है कि बाहुबलियों का बल अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पर क्या वाकई ऐसा है? और आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, जिसका सच आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अपराध और माफिया के खिलाफ यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बाहुबल कितना प्रबल रहेगा, यानी बाहुबल का कितना बल इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। दरअसल साल 2012 से 2022 के दौरान हुए चुनावों को देखें तो यूपी में बाहुबलियों का बल टूटता नजर आया है। चुनाव दर चुनाव बाहुबलियों को नकारने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण है एनडीए के घटक दल जेडीयू से टिकट की आस लगाने वाले बाहुबली धनंजय सिंह का। वे जेडीयू के टिकट पर जौनपुर से लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री और पूर्व कांग्रेसी कृपा शंकर सिंह को टिकट देकर उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। धनंजय सिंह ने बीजेपी के टिकट की घोषणा के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर जौनपुर से चुनाव लड़ने की पोस्ट डालकर अपने समर्थकों को तैयार रहने का संदेश दे डाला। हालांकि 3 दिन बाद ही अपहरण के एक मामले में धनंजय को सजा हो गई और उनका चुनाव लड़ने का इरादा टूट गया। वैसे बाहुबली धनंजय सिंह को जौनपुर में 2009 के बाद लोकसभा चुनाव के बाद से जीत हासिल नहीं हुई है। 2009 में धनंजय बीएसपी के टिकट पर सांसद बने, जिसके बाद अपने पिता राजदेव को खाली हुई सीट पर विधायकी जितवाई। इन जीत के अलावा 2022 में मलहनी सीट से धनंजय विधानसभा चुनाव हारे थे। 2017 में भी धनंजय को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। 2012 में धनंजय ने अपनी दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति को मलहनी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़वाया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। जुलाई 2021 में उनकी पत्नी श्रीकला ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर जीत हासिल की, क्योंकि पर्दे के पीछे से एनडीए के सहयोगी दल का समर्थन मिला था। खैर, ये तो बात हुई बाहुबली धनंजय सिंह की, लेकिन अभी और भी यूपी में बाहुबली हैं जिनका डंका बचता था और चुनावों में इनका बल देखने को मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे इनका बल खत्म हो रहा है। कहा जा रहा है कि बदायूं से वेस्ट यूपी के बाहुबली टीपी यादव की दावेदारी आ सकती है। चर्चा है कि वो बीजेपी के टिकट पर खुद या बेटे को चुनाव लड़वाने की तैयारी में हैं। बीजेपी ने भी अभी तक इस सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। सपा से इस टिकट पर पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अभी यहाँ से बीजेपी के संगमित्रा मौर्य सांसद हैं। ऐसे में सवाल उठा कि क्या वाकई बाहुबली डीपी यादव का बल चुनावों में देखने को मिलेगा या उसे भी नकार दिया जाएगा। वहीं माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी इस बार सपा के टिकट पर गाजीपुर से ताज ठोक रहे हैं। इससे पहले वो बीएसपी के टिकट पर गाजीपुर से जीते थे। मुख्तार और उसके परिवार के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद इस बार का चुनाव कितना चुनौती भरा होगा ये देखना होगा, क्योंकि कैसरगंज सीट से बाहुबली ब्रजभूषण की दावेदारी को लेकर भी संशय है। कहा जा रहा है कि अगर उनका टिकट कटा तो परिवार से ही कोई दावेदार होगा। साथ ही हर चुनाव में ताल ठोकने वाले माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद इस परिवार से कोई दावेदारी आना मुश्किल है। दरअसल अतीक की पत्नी उमेश पाल और 2 सिपाहियों की हत्या में वांटेड है। 2 बालिक बेटे उमर और अली जेल में हैं। भाई अशरफ की पत्नी भी अंडरग्राउंड है। हालांकि अतीक ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा था और 1000 वोट भी नहीं मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में माफिया अतीक अहमद के अलावा रमाकांत यादव, अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी, आनंद सेन, बाल कुमार पटेल, अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना, भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित, विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह, चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह और बाहुबली हरीश शंकर तिवारी के बेटे भीष्म शंकर तिवारी को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए कहा गया है कि बीजेपी के 2014 के बाद आने के बाद और खासकर 2019 में बाहुबलियों का बल धीरे धीरे खत्म होता गया। लेकिन अब ये सवाल भी उठता है कि ये सभी बाहुबली आखिर क्यों नकारे जा रहे हैं? इसका जवाब भी आज हम आपको दे देते हैं। दरअसल बाहुबलियों के मुकदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख और यूपी में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद
माननीय बने बाहुबलियों के मुकदमे में तेजी से फैसले आए। बीते 3 साल में 60 से ज्यादा बाहुबलियों को सजा हो चुकी है। इसमें माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, धनंजय सिंह, इंद्रसेन और खब्बू तिवारी जैसे बाहुबलियों को सजा हुई, पर वो चुनाव लड़ने से वंचित रह गए, यानी चुनाव नहीं लड़ पाए। साथ ही कुछ बाहुबलियों को अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर को बीते 3 चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। इसके चलते चुनाव दर चुनाव बाहुबलियों को जनता नकार रही है और इसी वजह से राजनीतिक दल साफ छवि के चलते माफियाओं और बाहुबलियों से किनारा कर रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में भी यही देखने को मिल रहा है। जब बाहुबलियों का बल कम हो रहा है और जनता भी बाहुबलियों को नकार रही है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।